Hi guys, welcome in this lecture. In this lecture we study about compound microscope. Compound microscope से पहले हम पढ़ चुके हैं simple microscope, इससे just पहले के lecture में. तो compound microscope के बारे में देखें तो देखो simple microscope में तो एक ही lens था. Compound में दो या दो से अधिक lens होते हैं. Two or more than two lenses are used in compound microscope. तो इसके बिहाफ पर अपन इसकी डेफिनेशन देंगे. तो डेफिनेशन क्या देंगे कि इट इज ए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मेड बाय टू कॉन्वेक्स या फिर इसमें कॉनकेव भी मिक्स हो सकते हैं कॉन्वेक्स लेंसेज and used for make image clear and large. Clear और large image बनाने के लिए use होता है इसका. तो इसकी definition अपन बोलेंगे compound microscope की definition. It is the optical instrument made by two or more than two lenses and used to make clear and large image of very short object. To make clear and large image of very short object. ठीक है. अब इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो लेंस होते हैं उसमें से एक लेंस होता है ऑब्जेक्ट की ओर. इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप ए लेंस is used towards lens of short focal length, sorry large focal length. Short का तो वो होता है जो simple में होता है, इसमें large का लेते हैं. A lens of या convex lens of large focal length, किसका large focal length का एक object वो लेते हैं lens जो eye side में होता है. किसमें होता है? आई साइड में. ऑब्जेक्ट साइड में होता है वो होता है शॉर्ट फोकल लेंथ का. किसका होता है? शॉर्ट का. ऑब्जेक्ट की ओर जैसे ऐसे इस तरफ ऑब्जेक्ट है, इस साइड में जो लेंस होगा ठीक है वो लेंस होगा शॉर्ट फोकल लेंथ का, जिसे अपन ऑब्जेक्टिव लेंस बोलेंगे. ए लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ इज यूज्ड टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस. एंड जो आई है, आई साइड में जो लेंस होते हैं, एक भी हो सकता है लेंस या कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस होता है. इसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ए लेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ के लेंस, एक लेंस या लेंसों का कॉम्बिनेशन यूज होता है. किस साइड में? आई साइड में. ऑब्जेक्ट की साइड में तो एक ही लेंस होता है जो शॉर्ट फोकल लेंथ का होता है. इसमें आई साइड में लार्ज फोकल लेंथ के लेंस, अकेला लेंस या कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस इज यूज्ड, दैट इज कॉल्ड आई पीस या आई साइड लेंस. आई पीस बोलते हैं उसे. ठीक है. अब इसमें देखो जो लेंस हमने ऑब्जेक्ट की ओर यूज किया है उसकी फोकल लेंथ शॉर्ट होती है. अब शॉर्ट फोकल लेंथ होगी तो उसके कारण क्यों लेते हैं अपन शॉर्ट फोकल लेंथ? बिकॉज मैग्निफिकेशन पावर इज इंक्रीज ड्यू टू शॉर्ट फोकल लेंथ. मैग्निफिकेशन पावर है वो इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू शॉर्ट फोकल लेंथ. तो शॉर्ट फोकल लेंथ का जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो इसीलिए यूज किया जाता है ताकि उसका मैग्निफिकेशन पावर मैक्सिमम हो. ठीक है. ये सब कुछ जो मैंने आपको बताया है ये बोर्ड पे प्रिंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ठीक है. इसके आगे अपन पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसकी मैग्निफिकेशन पावर. ठीक है. तो मैग्निफिकेशन पावर के डिस्कस करेंगे इससे जस्ट आगे. हाँ, तो अब हम देखेंगे मैग्निफिकेशन पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है इसकी मैग्निफिकेशन पावर. तो मैग्निफिकेशन पावर में पहले हम जो वेरी शॉर्ट ऑब्जेक्ट है उसको इन फ्रंट ऑफ आई रखेंगे. इन फ्रंट ऑफ आई रखेंगे तो उसका जो आई पर विजुअल एंगल बनेगा उसे अपन नाम देंगे अल्फा. तो ये मैं बना रहा हूं यहां पर
ये ऑब्जेक्ट है AB, ये I के सामने रखा हमने, यहां है I इस पॉइंट पर, ठीक है। ये D डिस्टेंस पर है, जो नियरेस्ट डिस्टेंस होती है 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, जो I की नियरेस्ट डिस्टेंस उस पर। तो यहां जो एंगल बनेगा उसको हम नाम देंगे अल्फा, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, माइक्रोस्कोप के इन फ्रंट ऑफ माइक्रोस्कोप अपन पुट करेंगे इस ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट को इन फ्रंट ऑफ माइक्रोस्कोप करें, तो माइक्रोस्कोप का ये देखो ऑब्जेक्टिव लेंस ले रहा हूं मैं यहां, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, एक तो पैरेलल टू एक्सिस रे ले लेंगे, एक लेंगे ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली, पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। जो रे पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर होती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन विदाउट चेंज इन डायरेक्शन पास हो जाती है, ठीक है। अदर रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे आएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस होगी कैपिटल एफ, ठीक है। ये दोनों रे जो हैं वो इस पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस कर लेगा, तो यहां आपको इमेज मिलेगी। ये ऑब्जेक्ट था अपना ए बी, तो इमेज हो जाएगी ए डैश एंड बी डैश। तो ऑब्जेक्टिव लेंस का इतना ही काम, ये जो अपना ऑब्जेक्टिव लेंस था इसका इतना ही काम है, ऑब्जेक्टिव लेंस का, ये इसकी इमेज ऑब्जेक्ट है, ये इसकी इमेज है। तो ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को अपन लिखते हैं यू से, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव लेंस की है, इसमें दो लेंस आएंगे तो दोनों की इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को अपन यू और यू नहीं लिख सकते, अलग अलग डिनोट करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, इसकी जो भी डिस्टेंस होंगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो चाहे इमेज डिस्टेंस हो चाहे फोकल लेंथ हो, सबके साथ ओ लगा देंगे। तो यू के साथ ओ लगा दिया हमने, O का मतलब U का मतलब तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, O का मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस की, ठीक है। ये जो इमेज है यहां तक की डिस्टेंस को अपन बोल देंगे VO, यानी इमेज डिस्टेंस, और ये जो F है फोकल लेंथ इसको बोल देंगे स्मॉल FO, स्मॉल FO, यहां मैंने लिख दिया स्मॉल FO, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की इमेज है, फर्स्ट लेंस की इमेज है, ये सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करेगी। तो मैं यहां सेकंड लेंस जो लार्ज फोकल लेंथ का और लार्ज साइज का होता है वो मैं यहां पुट अप कर देता हूं। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है ओ। अब हम दो रे यहां से लेंगे, देखो ये जो लेंस है आई पीस, ठीक है, आई पीस जो है इस लेंस को अपन आई पीस बोलते हैं। तो आई पीस जो लेंस है इसका ये ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट से एक तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले लेंगे, एक ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली। तो जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है ये तो विदाउट चेंज इन डायरेक्शन सीधी जाएगी, और ये जो रे है ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे प्रिंसिपल फोकस कैपिटल एफ से पास होगी। किससे पास होगी, प्रिंसिपल फोकस कैपिटल एफ, ठीक है। अब ये दोनों रे जो हैं, ये बोथ रेज आर नॉट इंटरसेक्ट इन दिस साइड, इस साइड में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि इनके बीच का गैप इंक्रीज हो रहा है। तो अपन इसको पीछे बढ़ाएंगे, पीछे बढ़ाएंगे तो ये अपीयर्स टू इंटरसेक्ट होंगी, यानी एक दूसरे को क्रॉस करती हुई पड़ती, अपीयर्स टू इंटरसेक्ट, बोथ रेज appears to intersect इस साइड में, ठीक है, appears to intersect होंगी, देखो इस साइड में, ठीक है, यहां ये appears to intersect हो रही है, ठीक है। तो यहां इमेज बनेगी, तो मैं ये इमेज बना देता हूं यहां पर,
है। ये इमेज बन गई जो वेरी लार्ज है, तो ये हो जाएगी ए डबल डेज और बी डबल डेज। ठीक है, इसको मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ थोड़ा। ठीक है, यहाँ पर आप इसका, यहाँ आप स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ पर, ताकि इमेज सही बने। ये ज़रूरी नहीं है कि अपना इधर ही करे, इससे पहले भी क्रॉस कर सकता है। ठीक है, मैंने ये रेज जो थी इनको कम फैलाव दिया था, आगे से कम फैली थी, इसलिए यहाँ काफ़ी पीछे आई हैं, नहीं तो यहाँ भी बन सकता था इसका, इस लेंस से पहले भी बन सकता है तो इसके बाद भी बन सकता है। ठीक है, ये इसका रे डायग्राम है। ठीक है, अब इसकी डिस्टेंस शो करें, डिस्टेंस शो करें, तो ये ऑब्जेक्ट था आईपीस का, इसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u के साथ e लगेगा, इसकी जो भी डिस्टेंस होंगी उनके साथ e लगेगा, यहां तक फोकल लेंथ है तो f e लगेगा, और ये इसकी इमेज डिस्टेंस है तो इसको u, सॉरी ve, इमेज डिस्टेंस को v से लिखेंगे और ve हो जाएगा। ठीक है, अब अपन इसमें विजुअल एंगल शो करेंगे, वो एंगल यहां बनेगा, देखो यहां पर ये एंगल होगा बीटा, कितना एंगल होगा है बीटा। ठीक है, ये तो था इसका डायग्राम, अब अपन स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन। तो डेरिवेशन में अपन पहले विजुअल एंगल निकालेंगे ड्यू टू ऑब्जेक्ट, तो विजुअल, यहां से स्टार्ट करता हूं, विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट टेन अल्फा, जैसे इससे पहले हमने पढ़ा था सिंपल माइक्रोस्कोप, उसमें भी ऐसा ही था, टेन अल्फा से निकलेगा, तो हाइट अपॉन बेस, तो हाइट तो ए बी है, बेस है डी, ये हो जाएगा ए बी अपॉन डी। फिर विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज निकालेंगे, तो इमेज से ये वाई डेस बी डेस वाला ए डेस बी डेस ओ ट्राइंगल से निकलेगा, तो अपन लिखेंगे विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज वो होगा बीटा, तो टेन बीटा इज इक्वल्स टू होता है बीटा, और इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो टेन बीटा निकालेंगे तो हाइट अपॉन बेस, हाइट ए डेस बी डेस है, बेस यूई है, यूई, तो ए डेस बी डेस अपॉन यूई, ये टेन बीटा आ गया आपका। ठीक है, दोनों के विजुअल एंगल कैलकुलेट कर लिए, इसमें आपको अलग अलग डायग्राम में अलग अलग एंगल हैं, इसलिए एंगल्स जो ले रहे हैं उसमें जो भी डिस्टेंस होगी उसमें प्लस माइनस नहीं लेना है, जैसे इसमें डी डिस्टेंस है, इसमें यू ई है, तो इनको अपन प्लस माइनस नहीं लेंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग डायग्राम में एंगल हैं, सेम डायग्राम में होते हैं तब लेना होता है। ठीक है, तब प्लस माइनस लेते हैं। अब मैग्निफिकेशन पावर निकालें, तो मैग्निफिकेशन पावर, मैग्निफिकेशन पावर जो एम है वो क्या होती है, मैग्निफिकेशन पावर एम, एम होती है रेशियो ऑफ विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज एंड विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट, इन दोनों एंगल्स का, इमेज और ऑब्जेक्ट की जो विजुअल एंगल फॉर्म्ड करते हैं उसका रेशियो। ठीक है, तो मैं इसमें लिख देता हूं एम इज इक्वल्स टू इमेज, वो विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज यानी बीटा अपॉन विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट यानी अल्फा, इन दोनों बीटा और अल्फा की इसमें वैल्यू रखेंगे, तो एम इज इक्वल्स टू क्या होगा, रिपुट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, तो बीटा की वैल्यू तो अपने पास है ए डेस बी डेस अपॉन यू ई, और अल्फा की है ए बी अपॉन डी, ए बी अपॉन डी। अब ए बी और ए डेस बी डेस, जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप में ए बी से ए बी कैंसिल हो रहा था, इसमें कोई कैंसिल नहीं हो रहा है। ठीक है,
इसको अपन लिखेंगे एम इज इक्वल्स टू ए बी ए डैश बी डैश अपॉन यू ई इंटू, ये ए बी अपॉन डी इंटू में लेंगे तो अपोजिट होगा, ये उल्टा होगा, यानी डी अपॉन ए बी लिखेंगे। अब ए डैश बी डैश और ए बी तो एक साथ लिख लेंगे और डी और यू ई एक साथ लिख देंगे, एम इज इक्वल्स टू ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इंटू डी अपॉन यू ई। ठीक है, अब देखो ए डैश बी डैश ये है और ए बी ये है, इन दोनों की ए बी ये भी मान सकते हैं, ये यही तो यहां रखा था तो दोनों सेम है। ठीक है, यही तो आई के सामने रखा, इन फ्रंट ऑफ आई भी ये पुट किया था, इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस भी यही पुटअप किया था हमने। अब देखो इसमें ए डैश बी डैश और ए बी की वैल्यू नहीं है अपने पास, ये तो है इमेज हाइट और ये ऑब्जेक्ट हाइट, तो इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट का रेशियो होता है वो होता है लीनियर मैग्निफिकेशन, तो लीनियर मैग्निफिकेशन से इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो अपन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लीनियर मैग्निफिकेशन इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल्स टू क्या होता है, देखो इमेज हाइट थी ये तो ये ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल्स टू होता है इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस कितनी है, देखो इसी लेंस के लिए लेना, इसी की तो इमेज हाइट थी, इसी की ऑब्जेक्ट हाइट थी, तो इसी की इमेज डिस्टेंस तो बी ओ है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यू ओ, यू ओ पीछे की ओर है तो माइनस की आएगी, तो इमेज डिस्टेंस अपॉन इमेज डिस्टेंस तो वी ओ अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू ओ, ये यू ओ किस की आएगी माइनस की, ये वैल्यू इसमें रख देंगे एम में, तो सो स्मॉल एम लीनियर मैग्निफिकेशन पावर एम इज इक्वल्स टू क्या आएगी वी ओ अपॉन यू ओ, ये माइनस की है यू ओ तो ये माइनस हो जाएगा इनटू में डी अपॉन यू ई। ठीक है, हम जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप में करते थे ठीक वैसे ही इसमें करेंगे, वन अपॉन यू ई की वैल्यू निकालेंगे, तो एम इज इक्वल्स टू क्या होगा माइनस वी ओ अपॉन यू ओ इंटू डी इंटू वन अपॉन यू ई, और इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर वन, फर्स्ट इक्वेशन देते हैं इसको। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन आने के बाद हमारे दो ही काम होते हैं, एक नंबर वन तो होता है फर्स्ट केस लेंगे जिसमें अपन क्या करेंगे कंडीशन अप्लाई करेंगे कि इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ आई, नियरेस्ट डिस्टेंस होती है कैपिटल डी, कितनी होती है कैपिटल डी होती है, ठीक है जो 25 सेंटीमीटर है। तो एक बार तो फर्स्ट केस में तो अपन करेंगे इमेज फॉर्म्ड होती हो कहां पर 25 सेंटीमीटर यानी नियरेस्ट डिस्टेंस पर। ठीक है, फिर अपन सेकंड नंबर पर क्या करेंगे, सेकंड केस में इमेज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट मानेंगे, दो कंडीशन अप्लाई करनी है, तो आप ये जो बोर्ड पे आपको दिख रहा है इसका स्क्रीन शूट ले लें ताकि नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। इसके बाद मैं एक साइड का क्लियर करके यहां पर इमेज ये जो है ये क्लियर करके यहां दोनों कंडीशन शो करूंगा। हाँ, तो अब हम देख रहे हैं केस फर्स्ट। ठीक है, केस फर्स्ट, फर्स्ट केस में अपन इमेज फॉर्म एट नियरेस्ट डिस्टेंस, इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट नियरेस्ट डिस्टेंस, नियरेस्ट डिस्टेंस कैपिटल डी पर इमेज फॉर्म्ड हो रही है, देन तो क्या होगा, देखो इमेज डिस्टेंस इस बार आपको डिस्टेंस लेनी है, देखो सिंपल माइक्रोस्कोप में एक लेंस था तो उसी की डिस्टेंस ली थी, इस बार दो लेंस है तो आपको जो डिस्टेंस लेनी है वो लेनी है आई पीस की, आई पीस जो है उसकी डिस्टेंस लेनी है, तो उसकी इमेज डिस्टेंस वी के साथ क्या लगेगा ई इज इक्वल्स टू क्या होगा, इमेज कहाँ बन रही है डी पर, तो अपन डी रखेंगे और आप डायग्राम में देख सकते हो जो वी ई है वो लेंस से पीछे है तो ये किसकी आएगी माइनस की। ठीक है, फिर देखें इसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ये यू ई है
यूई रखनी है, ये भी पीछे की ओर है लेंस से तो ये भी माइनस, और जो इसकी फोकल लेंथ है ये प्लस की रहेगी क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यू अपन पुट करेंगे इन लेंस फॉर्मूला। तो यूजिंग लेंस फॉर्मूला वन अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू वन अपॉन इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस कितनी है माइनस डी, माइनस वन अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है माइनस यूई, तो वन अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू माइनस का वन अपॉन डी और प्लस का वन अपॉन यूई। आपको चाहिए देखो फर्स्ट इक्वेशन में यूई की वैल्यू चाहिए, तो यूई की वैल्यू निकालेंगे तो जाएगी वन अपॉन एफ ई इज सॉरी डी को इधर लाएंगे तो प्लस का होगा, प्लस वन अपॉन डी इज इक्वल्स टू वन अपॉन यूई। ठीक है, ये वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे तो पुट द वैल्यू ऑफ वन अपॉन यूई इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो मैग्निफिकेशन पावर एम इज इक्वल्स टू अपने पास आएगी माइनस का वी ओ अपॉन यू ओ इंटू डी इंटू वन अपॉन यूई है उसमें, तो वन अपॉन यूई की वैल्यू रखेंगे वन अपॉन एफ ई प्लस वन अपॉन डी, तो ये हो जाएगा एम इज इक्वल्स टू माइनस वी ओ अपॉन यू ओ डी अपॉन एफ ई प्लस डी अपॉन डी वन हो जाएगा, तो ये आ जाएगी मैग्निफिकेशन पावर। कब? जब इमेज फॉर्म्ड एट नियरेस्ट डिस्टेंस कैपिटल डी हो। ठीक है, अब हम कर रहे हैं केस सेकंड। केस सेकंड, सेकंड केस में अपन इमेज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट मानेंगे, तो इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट देन, इनफाइनाइट पे फॉर्म्ड होगी तो क्या होगा, तो देखो इनफाइनाइट पर होगी तो जिस प्रकार से हमने इसमें डी डिस्टेंस माना था तो इमेज डिस्टेंस डी आई थी, इसकी जगह इनफाइनाइट आ जाएगा, बाकी ये दोनों वैल्यू सेम रहेंगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज फोकल लेंथ विल बी सेम एंड ओनली चेंज इज इन इमेज डिस्टेंस वी, तो इमेज डिस्टेंस वी ई जो है वो तो होगी इनफाइनाइट, बाकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी अपनी यू ही रहेगी और फोकल लेंथ भी प्लस की एफ ही रहेगी। ठीक है, अब हम लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। यूजिंग लेंस फॉर्मूला क्या होगा, वन अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू वन अपॉन इनफाइनाइट, इमेज डिस्टेंस इनफाइनाइट है माइनस वन अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है माइनस यू ई, वन अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू जीरो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वन अपॉन यू ई, तो आपके पास वन अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू वन अपॉन यू ई आ गया, तो वन अपॉन यू ई की वैल्यू आ गई अपने पास। ये फर्स्ट इक्वेशन में जैसे इसमें रखा था वैसे इसमें रखेंगे, इसमें भी फर्स्ट इक्वेशन में रखा था इसमें भी फर्स्ट में रखना है ये वन अपॉन यू ई का मान, तो अपन करेंगे पुट द वैल्यू पुट द, हाँ तो देखिए अब इसमें पुट द वैल्यू ऑफ वन अपॉन यू इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में रखेंगे तो एम इज इक्वल्स टू माइनस वी ओ अपॉन यू ओ इंटू डी और इंटू में वन अपॉन यू है तो वन अपॉन यू की जगह वन अपॉन एफ ई ये वैल्यू पुट कर देंगे, देन एम इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको वन अपॉन यू ओ वी ओ अपॉन यू ओ इंटू डी अपॉन एफ ई। ठीक है, ये इसकी मैग्निफिकेशन पावर आ जाएगी जब इमेज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट हो और इमेज फॉर्म्ड एट डी डिस्टेंस हो, तो इसमें प्लस वन एक्स्ट्रा आता है इसमें प्लस वन नहीं है। ठीक है, ये फॉर्मूले कब यूज करने हैं ये आपको ध्यान रखना है, तो देखो न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूले कब कैसे यूज करने हैं इस पर न्यूमेरिकल बेस आ सकता है। एक क्वेश्चन आता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, आपको माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप या फिर जो ह्यूमन आईज है इससे रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेट आते हैं,
माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का मिनिमम 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसमें आपको कब कैसे लेना है, यदि आपको न्यूमेरिकल्स में इमेज फाउंड एट इनफाइनाइट का जिक्र दे रखा हो तो ये फॉर्मूला यूज में लेना है, इमेज फाउंड एट नियरेस्ट डिस्टेंस का जिक्र हो तो ये फॉर्मूला यूज में लेना है। ठीक है, आज के इस लेक्चर में इतना ही। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ तक तो आपने पहले वाले में भी आ गया था, आपके फर्स्ट स्क्रीनशॉट में भी जो यहाँ डायग्राम था उसके साथ आ गया था। अब ये 2 केस और हैं, फर्स्ट केस पहले, बाद में सेकंड केस। ठीक है, थैंक्स।